अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल एनएस रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त आरजी धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन एनएस रेडियो। फॉरबिसगंज में सोमवार की देर रात आई तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ है। आंधी के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। मौके पर पहुंचे फॉरबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने कहा कि भी आंधी के कारण किसानों लोगों के घरों दुकानों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द पूरे फॉरबिसगंज विधायक में बिजली आपूर्ति बहाल हो। उन्होंने कहा आंधी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि किसान कोरोना और प्राकृतिक प्रकोप दोनों की मार झेल रहे हैं। हाल के दिनों में जो आंधी तूफान के बाद दूसरी आंधी तूफान आए उस वजह से यहां मक्का और गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में मक्का खेत में पड़े हैं, जिसके कारण लोगों के मक्का में पौधा निकल आया है। जो फसल घरों तक पहुंचा है उसे समुचित बाजार नहीं मिल पा रही है तथा किसानों का शोषण हो रहा है। इस मौके पर बीजेपी नेता मनोज झा, अंशु कनौजिया, गोपाल सोनू, प्रदीप कनौजिया, रंजन साह, शिवली रंजन, चांदनी सिंह, शिवानी सिंह आदि मौजूद थे। आगे देखिए, नरपतगंज के प्लासी पंचायत स्थित वार्ड संख्या 15 में दो बच्ची के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक दोनों बच्ची सगी बहने थी तथा मृतकों के पिता सादिक शेख झारखंड में मजदूरी करता है। मृतकों में एक 6 वर्षीय निखत परवीन तथा दूसरी 3 वर्षीय सीमा परवीन थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घर के बगल में ही पोखर के लिए जमीन की खनन की गई थी, जिसमें पानी भरा हुआ था। खेले के क्रम में दोनों सगी बहन पानी में चली गई, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि खेलते खेलते कब बच्ची डूबी इसका पता ही नहीं चला। बच्ची की डूबने के करीब 1 घंटे बाद खेत में मौजूद कुछ बच्चे ग्रामीणों को बुलाया, मगर कुछ ग्रामीण सांप के होने की आशंका पर लाठी डंडे से लैस होकर गड्ढे तक आए, जहां दोनों बच्ची की लाश पानी में तैर रही थी। फिर ग्रामीणों ने दोनों बच्ची को उस गड्ढे से निकाला, लेकिन दोनों ही बच्ची की जान जा चुकी थी। घटना की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सुनील कुमार एवं पुलिस फोर्स ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। घटना को लेकर जहां ग्रामीणों में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर खेत में खनन को लेकर लोगों में गुस्सा जाहिर की। घटना के बाद इस बात की जानकारी भी ली जा रही है कि उक्त जमीन सरकारी है या निजी और क्या उस पर अवैध खनन की गई है। कुछ ग्रामीणों का ऐसा ही आरोप है। आप देख रहे हैं एनएस टीवी बिहार, आरजे वाली के साथ बने हुए। नमस्कार। सरकारी जमीन है ना? तो ये सरकारी है कि प्राइवेट है, इस बात हम नहीं बता सकेंगे। इन पोखर जैसे टाइम में कोर रहा था, उसी टाइम में लोग को मना किए कि भाई यहाँ गली कुंटा है, बाल बच्चा डूबेगा, यहाँ पोखर नहीं करिए। अच्छा। बारम्बार मना किए, धंधे मानने के कारण लोग जबरदस्ती बता पोखर को। बच्चा का उम्र कितना, कई साल का है? बच्चा का उम्र लगभग 3 साल, 6-7 साल। तो लोग खेलते हुए यहाँ खेल रहा था कि खेल रहा था? हम लोग तो भैंसे चरा करके आ रहे थे, जाकर जैसे कब चाके दूसरा बच्चा यहाँ महाड़ पर से चिल्ला रहा, तो हम तो सोचे सांप है। लाठी लेकर जैसे दौड़ बढ़ दिए तो बोला ना लाठी की जरूरत नहीं, आप यहाँ आइए। यहाँ से जैसे वहाँ गए थे बीच पानी में देखने तो बच्चा मतलब ऐसे पुनिया कर करके खेल रहा, पानी पी के निकल गया बाहर। एक तो फिर 1 घंटा के बाद में मिला बीच पानी मार के निकाले। दो बच्चा जो वजनगर था वो डूबा रह गया, जो हल्का था वो ऊपर आ गया। ये जो खुदाई हो रहा था, हाँ। तो मुखिया जी को कंप्लेन किए थे? नहीं। किनके द्वारा ये खुदाई करवाया गया था? जमींदार खुद ही खुदाई करवाया। क्या नाम जमींदार का, नाम बताइए ना। ये तो उसका बाप के नाम अकबर, बेटा का नाम है इरशाद। इरशाद की जमीन में पड़ रहा है। कौन सा पंचायत पर आइए? पलासी पंचायत। वार्ड नंबर? 15।